लिसन परीना, अरे गलती से हो गया। परीना बाबू डोंट डू दिस। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि पाद। पाद तो कभी भी कहीं भी और कैसे भी निकल जाती है। आई एम सॉरी बाबू, बाहर तो आओ। शट अप, जस्ट गेट द हेक आउट ऑफ हियर। आई हेट यू। यार आई एम सॉरी ना बाबू, कुकरम हो गया मुझसे। बेबी तुम बाहर तो आओ, हम दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालते। आई स्वेयर बेबी मैं पुट नहीं करूंगा, बेबी मैं नहीं पा दूंगा। ओके ओके रिलैक्स। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? बहुत अनोइंग हो तुम। मैं नहीं, मेरी पाद अनोइंग है। कभी कभार हो जाती है ऐसी मिडिल क्लास गुच्ची वाली हरकतें। वैसे पाद का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी। तुम्हारी मेड क्या सिर्फ मूली के पराठे बनाती है? कितनी बदबू आती है। अगर नाक में रुई का खेत भी उगा लो ना, तो भी बदबू आएगी। बेबी लेकिन पादना तो बहुत हेल्दी होता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी पादना चाहिए। इनफैक्ट हम सबको पादना चाहिए। बेबी इससे ना बॉडी के सारे गंदे गैसेस रिलीज हो जाते हैं और हमारी आत्मा को मरे बिना शुद्धि मिलती है। What? हाँ, मैंने पढ़ा है कि पादना आर्ट ऑफ लिविंग है। आई एम श्योर कि बाबा रामदेव भी दो चार आसन करते करते पाद ही लेते होंगे। यार इसीलिए तो इतने फिट एंड फाइन है। बॉडी देखिए उनकी, एकदम शिल्पा शेट्टी। बेबी पादने से ना सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? देखो तुम नाक मत चढ़ाना। बेबी क्योंकि तुम पादते नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें इतना गुस्सा आता है। अभी अगर एक बार फाट कर लिया होता तो सारा गुस्सा सारी नाराजगी खत्म हो जाती। यार पादना इज जस्ट अनदर बेसिक नेसेसिटी। महापुरुष, फिल्म स्टार, नेता सभी पादते। इनफैक्ट अब तो पादनी की खुशबू भी आ सकती है। रबिश। रियली? यार ऐसे मजेदार टैबलेट्स आते हैं जिन्हें खाने से हमारी पाद महकने लगती है। सोचो खुशबूदार कार्बन डाइऑक्साइड। पंडितों का तो ये भी कहना है कि नॉर्थ दिशा में पादने से ट्विंस होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो बेबी हमें जब भी ट्विंस चाहिए होंगे ना, तुम नॉर्थ दिशा में ही पादना। जैसे हेल्थ क्लब और फिल्म क्लब होता है, वैसे पादने का भी तो क्लब होना चाहिए। पादना तो एक ग्लोबल टॉपिक होना चाहिए और इसकी शुरुआत हमारे मोदी जी को करनी चाहिए। जैसे मन की बात वैसे पाद की बात। इनफ प्रमोद, इनफ। तुम्हारे पादने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तुम्हारा पादना और दही में अचार मिला के एडल्ट को तड़का लगाना एक ही बराबर है। और बदबू तो इतनी कि 20 किलोमीटर दूर खड़े हुए आदमी की भी नाक सड़ जाए। लास्ट टाइम जब हम डेट पे गए थे, तुमने इतना जोर से पादा कि होटल के सारे कस्टमर्स भाग गए। तुम्हें सारे होटल से बैन कर दिया है। अब बस मैं तुम्हें और तुम्हारे पाद को नहीं झेलने वाली हूँ। तो अब या तो तुम पादना छोड़ोगे या तो तुम मुझे छोड़ोगे। नहीं बेबी यार, प्लीज ऐसा मत कहो। प्रमोद तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? फार्टिंग माइट बी हेल्दी बट आई डोंट लाइक इट। गंदा लगता है यार मुझे। तुम प्यार करते हो ना मुझसे, मेरे लिए पादा नहीं छोड़ सकते? बेबी हमारे किसका क्या हुआ, चलो ना करते। नहीं उसे बाद में। बेबी अब से मैं नहीं पा दूंगा, आई स्वेयर ऑन यू, तुम्हारे सर की कसम। शट अप और सो जाओ। प्रमोद अब से नहीं पा देगा। प्रमोद इज अ ब्रेव मैन। प्रमोद अपनी बेबी से बहुत प्यार करता है और प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। सो जाओ। गुड नाइट, आई लव यू। अरे बेबी तुम भी?